हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आहूजा के फैन हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। थंबनेल देखकर वैसे आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर ये वीडियो आज का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, आहूजा का जो न्यू एम्पलीफायर है क्लास डी का, उस एम्पलीफायर पर आहूजा के ही चार बेस का टेस्टिंग लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें इस एम्पलीफायर पर चैनल दो बेस चल रहे हैं जो कि आहूजा के 1000 वाट के हैं। तो साउंड टेस्टिंग से पहले थोड़ा सा एम्पलीफायर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है। और टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इस एम्पलीफायर में आपको 2400 वाट पर चैनल देखने को मिलता है, जो कि 4 ओम्स पे रहेगा। इसमें आपको लो पास फ्रिक्वेंसी मिल जाता है, लो पास फिल्टर जिसे कहते हैं, जो कि 80 और 120 पे वर्क करता है। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ओम्स पे 1350 वाट पर चैनल और 4 ओम्स पे 2400 वाट पर चैनल ये देता है। काफ़ी पावरफुल मशीन है। इसमें आप आराम से 5 इंच वॉइस कॉइल वाले सबवूफर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 4 पीस इसमें चलेंगे। पर चैनल 2 स्पीकर आपको चलाना होगा, जो कि 1000 वाट से लेकर के 1500 वाट तक के आप इसमें 4 स्पीकर आराम से रन कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आउटपुट देखने को मिलेगा। और एम्पलीफायर क्योंकि क्लास डी है इसलिए काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलता है, जो कि 22 kg यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइट वेट है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो आहूजा ने इस एम्पलीफायर को लॉन्च करके काफ़ी बढ़िया काम किया है, जो कि डीजे वाले भाइयों के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। और इस एम्पलीफायर को आप केवल डीजे में ही नहीं, इसे आप लाइव प्रोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सही मशीन है, ज़बरदस्त मशीन है, मैंने सुना हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रेशर है। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इस एम्पलीफायर पर चैनल ये 2 बेस चलने वाले हैं, जिसमें आपको एक साथ सेम वाट के 2 प्रकार के बेस देखने को मिलेंगे, जो कि आहूजा का न्यू मॉडल बेस जो कि 1010 या फिर कह सकते हैं कि SWX 1010, और बाकी का 2 बेस जो है वो आहूजा का अपना पुराना मॉडल SWX 1000 है। तो काफ़ी बेहतरीन आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 ओम्स पे लोड हो जाता है 2000 वाट और मशीन देता है यहाँ पे 2400 वाट, तो 400 वाट हेडरूम भी है, इसलिए काफ़ी खतरनाक आउटपुट वहाँ पे सुनने को मिल रहा है। और ये साउंड टेस्टिंग वीडियो तब का है जब जो है बेस सबवूफर मोड पे चल रहा था, तो क्योंकि सबवूफर मोड पे है इसलिए आपको बिना हेडफोन के समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल अपना हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको इसका क्वालिटी जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लगा लीजिए अपना हेडफोन, इसका साउंड टेस्टिंग चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने इस वाले एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग, जिसमें 1000 वाट के 4 बेस को चला के दिखाया है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन आउटपुट सुनने को मिला, लॉन्ग थ्रो भी काफ़ी अच्छा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, अगर आपने हेडफोन लगाया होगा तो महसूस कर सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी वहाँ पर मिल रहा है। और मशीन यहाँ पर आपने वीडियो में देखा ही है, आहूजा का XTA 7002, जो कि एक 5000 वाट का
पावर एम्पलीफायर है क्लास डी में। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगा कि जो भाई इस वाले एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल वो अपने एक्सपीरियंस जो है हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके बहुत काम का होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे सभी व्यूअर्स के पास पहुंच जाएगा, जिससे उनको काफ़ी हेल्प होती है। तो बिल्कुल दोस्तों अपने एक्सपीरियंस जो है कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे कि इस एम्पलीफायर पर आप कितने वाट के कितने बेस रन करते हैं और इसका रिस्पांस कैसा मिलता है। साथ ही साथ प्राइस के बारे में भी जरूर शेयर कीजिएगा कि जब आपने इसे खरीदा था तो आपको कितने प्राइस पर मिला था। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर भाई जो कि बिहार पूर्णिया के रहने वाले हैं उनके द्वारा शेयर किया गया है, जो कि दीपक भाई हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमें ये वीडियो जो है शेयर किया और मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाया, तो उनका दिल से धन्यवाद। और प्राइस के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत से भाई कमेंट करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस जो है आपको अप्रॉक्स 58 से 60 के अंदर में मिल जाएगा, जो कि आप किसी भी हाउजर डीलर के पास खरीद सकते हैं या फिर मुझे भी याद कर सकते हैं ये मशीन लेने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। साथ ही साथ आहूजा से अपडेट रहने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर आहूजा सिस्टम से ही रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है। जैसा कि आप पुराने हैं तो आपको पता हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।